हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नॉनवेज रेसिपी, क्रीमी मेथी चिकन। दिस इज़ अर्पित रमा, वेलकम टू माय चैनल अर्पित पैशन ऑफ कुकिंग। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैं एक पेस्ट तैयार करूंगी, वो है हरी मिर्च, धनिया एंड अदरक। मैंने यहाँ पे अलग से 6 काजू का पेस्ट बना लिए, 2 बड़े साइज प्याज को थोड़ा बॉयल करके उसका एक पेस्ट बना लिए। उसके बाद हमें चाहिए कसूरी मेथी, 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट, गरम मसाले में हमें चाहिए दालचीनी एंड इलायची, टेम्परिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा कसूरी मेथी, दालचीनी एंड 2 इलायची, और जो पहले मैंने मसाले पेस्ट बनाई थी वही मसाला, और हमें चाहिए दही एंड क्रीम, फ्रेश क्रीम। मसाले के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, प्लीज़ चेक कर लेना। अब हमें कढ़ाई में ऑयल डालना है, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन जो वॉश्ड है वही चिकन को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। मैं यहाँ पे कोई मैरिनेशन नहीं कर रही हूँ, मैं चिकन को डायरेक्टली फ्राई कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक एंड 1 टेबलस्पून लहसुन के साथ। आप चाहो तो थोड़ा सा लहसुन, अदरक एंड नमक के साथ 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर सकते हो, उसके बाद इसे फ्राई कर सकते हो। अब मैं इसको कवर करके रखूंगी एकदम लो फ्लेम में, जब तक चिकन नाइसली जूसी एंड सॉफ्ट बन ना जाए। मैं यहाँ पे हल्दी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी वाइट ग्रेवी में बनेगी। चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हमें साइड में रखना है। अब चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए मैं उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड की, और टेम्परिंग के लिए जो मैंने मसाले रखी थी कसूरी मेथी, 2 इलायची एंड 1 दालचीनी, उसको मैंने डाल दिए। उसके बाद तुरंत मैंने दही को डाल दिए। रिमेम्बर फ्रेंड्स, मेथी को ऑयल में डालने के तुरंत बाद ही दही को डालना पड़ेगा, नहीं तो मेथी कड़वा हो जाएगा। और दही को हमें थोड़ा सा स्टर करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट ऐड कर रही हूँ, इसको फिर से हमें स्टर करना है ताकि दही फट ना जाए। दही को हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है एंड एक एक करके मसाला ऐड करते जाना है। अब मैं अदरक, ग्रीन चिली, हरी मिर्च एंड धनिया वाले जो मसाला के पेस्ट बनाई थी उसको ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे उबले हुए प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मसाले को हमें फिर से अच्छे से स्टर करना है ताकि इसका कंसिस्टेंसी बढ़िया बने। गाइस, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है। सबसे बड़ी बात, ये रेसिपी बनाने के लिए ज़्यादा तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम एंड सिंपल इंग्रेडिएंट में बनके तैयार हो जाता है, बट टेस्ट उतना बढ़िया आते हैं। जब सामने वाले बंदे को खिलाएंगे उनको समझ आएगा ही नहीं ये रेस्टोरेंट का है या घर का है। अब मैं यहाँ पर कसूरी मेथी को ऐड कर रही हूँ। मेथी ऐड करने के बाद फिर से हमें अच्छे से स्टर करना है। मसाले में से ऑयल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं काजू का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। काजू डालने के बाद ही मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, पहले से पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ गाइस मैं बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ पे 450 ग्राम चिकन लिए तो उसी हिसाब से मैंने सारे मसाले को लिए। आप जितना चिकन यूज़ करेंगे उसी हिसाब से आप मसाले को कम ज़्यादा कर सकते हो। फाइनली हमारा ग्रेवी बनकर तैयार हो चुका है। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है मैं उसे ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 150 ml फ्रेश क्रीम ऐड की है। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद फिर से हमें अच्छे से स्टर करना है। गाइस, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें ग्रेवी को कंटिन्यूसली स्टर करना है और एक एक करके मसाला ऐड करते जाना है। फ्रेश क्रीम डालने के बाद मसाले को हमें थोड़ा पकाना है एंड उसके बाद हमें फ्राई किया हुआ चिकन को ऐड कर देना है। चिकन डालने के बाद कुछ देर के लिए हमें इसे पकाना है। इस टाइम पे हमें कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन तो हमारा पहले से तैयार है। गाइस, अगर आपको ऐसा लगे कि आपका ग्रेवी बहुत गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड किए और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिए। वन मोर थिंग गाइस, मीडियम फ्लेम में हमें ये रेसिपी को बनाना है, और मैंने यहाँ पे गरम मसाले के पेस्ट को ऐड कर रही हूँ, 2 इलायची और 1 दालचीनी। गरम मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद मैं
मैं यहाँ पे एक हरी मिर्च स्लिट करके बीच में से ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप किसी को अगर ना पसंद है यू कैन स्किप इट। अब मैं यहाँ पे 1 स्पून घी ऐड किए, बस तैयार हो गया आपका क्रीमी मेथी चिकन। बटर नान, कुलचा, रोटी, पराठा, पुलाव, किसी के साथ भी आप ये रेसिपी को शेयर कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और अच्छे अच्छे रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।